हे गाइस, इस समय आप लोग हैं आशीष सर के साथ और हम लोग इस समय जो है नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम नेटवर्किंग मोड के बारे में बताए थे, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क मेथड्स। BCA 6 एंड फोर्थ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज का टॉपिक है नेटवर्क मेथड। पहला मेथड है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और नोड टू नोड नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये कैसे नेटवर्क होता है? ये सिक्योर नेटवर्क है, सिक्योर नेटवर्क काउंटेबल है। इसका डायग्राम एक बनाते हैं छोटा सा। अब देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? एग्जाम्पल, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ईथरनेट, ईटीसी। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एपीएन का फुल फॉर्म क्या है? एसएस पॉइंट नेटवर्क। ये किस में चलता है? मोबाइल में, मोबाइल के लिए बेसिकली। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये कहाँ यूज होता है? प्रोवाइड प्राइवेट कंपनी नेटवर्क, इसको लिख सकते हैं आप, प्रोवाइड प्राइवेट कंपनी नेटवर्क। अच्छा, MPLS, MPLS क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विच।
अब दूसरा, ये मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विच कैसा है? एक तरीके का सेंट्रलाइज ऑफिस में यूज होता है। कहां पे होता है ये? एक सेंट्रलाइज ऑफिस। आप बिल्कुल सिंपल वे में समझिए, कोई बहुत लेंदी डिफिनीशन नहीं है कि आप उसको पढ़ते रहिए, बस थोड़े थोड़े से वर्ड हैं, उन्हीं की छोटी सी डिफिनीशनें हैं। इन डिफिनीशनों से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये है क्या। दूसरा नंबर में क्या आएगा? क्लाइंट, सर्वर, नेटवर्क और ओपन सोर्स नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क है? अनसिक्योर नेटवर्क है। अब जब अनसिक्योर नेटवर्क होगा तो अनकाउंटेबल नेटवर्क होगा, जाहिर सी बात है। मतलब ये बहुत ब्रॉड होगा, अनसिक्योर नेटवर्क, अनकाउंटेबल नेटवर्क। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आएंगे? मैंने पहले ही बोल चुका कि ये बहुत ब्रॉड होगा, तो इसके अंदर का क्या आएगा? इंटरनेट आएगा। फिर अर्पानेट, यारनेट, ईटीसी। अब देखिए इसके अंदर फिर इसमें क्या क्या होंगे, जैसे मैन, मैन में मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन देखिए क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वी सैट, वेरी स्मॉल अपार्चर नेटवर्क। पीएसटीएन, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पीएसटीएन हो गया। आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क। वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एसेस नेटवर्क। अच्छा, आप लोगों के सामने आया एक शब्द, ईथरनेट। ईथरनेट, ईथरनेट को आप कैसे समझ सकते हैं? ईथरनेट नेटवर्क थ्रू केबल इज नोन एज ईथरनेट।
नेटवर्क थ्रू केबल इज नोन एज ईथरनेट। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये बहुत इफेक्टिव लगा होगा। अब अगला लेक्चर अगले दिन। थैंक यू।